हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम दोबारा आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक किया था उसका ही आप कह सकते हो एक कैरी फॉरवर्ड करके ये टॉपिक आया है। पिछली वीडियो में हमने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि एक पॉइंट था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस या फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का एक पॉइंट, और जहां पे हमने बात की थी कि कितने प्रकार के बिजनेस आपके हो सकते हैं, जिसमें से हमने पहला पॉइंट किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। और आज हम इसका दूसरा पॉइंट करने वाले विच इज योर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कि किस प्रकार से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। तो इसमें भी अगेन आपके पास दो तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपके पास पूरा का पूरा ये टॉपिक है कि कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, तो आपके पास एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि आप ये सारे फॉर्म्स बताएं और उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, जिसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना होगा। बट सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका बन सकता है वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में एक शॉर्ट नोट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में ही आपसे जो है वो पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, और बस उसी के बारे में आपको लिखना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले, नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो सबसे पहले, जैसे कि इसका नाम कहता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, यानी ऐसी फैमिली जो जॉइंटली रहती है। मान लीजिए जैसे हमारे दादा हैं, हमारे जितने भी चाचा हैं, हमारे सब चाची, हमारे ताऊ, ये सब मिलके एक जॉइंट फैमिली है, और ये सब मिलके अगर एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं जिसमें ये सब मेंबर हैं, इन सब का पूरा अधिकार है, और एक व्यक्ति यानी कि जो भी हमारा बुजुर्ग है हमारे घर में, जो कि मेल मेंबर है, वो उसके सारे डिसीजंस लेता है, उसको कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, हिंदूज में होता है कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी, हमारी फैमिली बहुत साथ रहती है और साथ ही में सारा काम करने की कोशिश करती है कि सारे भाई मिलकर काम करें। तो जब ऐसा होता है कि पूरी फैमिली मिलकर काम कर रही होती है, पूरी फैमिली मिलकर एक बिजनेस चला रही होती है, तो उसको कहा जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इफ द बिजनेस सेटअप बाय अ पर्सन इज कैरिड ऑन बाय मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली आफ्टर हिज डेथ, इट इज कॉल्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी सारा बिजनेस जो है फैमिली चलाती है, और उसमें से केवल एक ही व्यक्ति होता है जो कि मेन मेंबर होता है, जिसको कहा जाता है कर्ता, जो सारे डिसीजंस लेता है। बिजनेस इज रन बाय द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। कर्ता's liability इज अनलिमिटेड। इसमें जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, यानी कि बिजनेस में अगर लॉस हो जाएगा तो बाकी जितने भी मेंबर हैं उनकी एक लिमिटेड ही लायबिलिटी होगी, लेकिन जो कर्ता है उसके जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, उसके पर्सनल एसेट तक उसमें बिक सकते हैं। अदर मेंबर्स आर नोन एज कोपार्सन्स। जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है कोपार्सन्स। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है हमारा मोदी भवन। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे देख लीजिए, और इनका जो एक बिजनेस है वो है ज्वेलरी का, ज्वेलरी डिजाइनिंग का, ज्वेलरी मेकिंग का, ठीक है, या कोई भी बिजनेस ले लीजिए। और इसमें क्या हो रहा है, ये सारे अब जॉइंट फैमिली है और बिजनेस जो है वो इन्हीं के द्वारा रन किया जा रहा है, ठीक है, ये बिजनेस जो है इन्हीं के द्वारा रन किया जा रहा है। सो लेट सपोज ये तीन जो है ये मेल मेंबर हैं, बाकी तीन जो है ये फीमेल मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो तीन मेल मेंबर्स हैं, यही लोग बिजनेस को चला रहे हैं, यही लोग बिजनेस के हेड हैं। चला रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि झाड़ू पोछा से लेकर के जो डिसीजन मेकिंग तक है वो सब यही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि जितने जो हेड हैं, यानी कि जो बिजनेस के हेड हैं, CEO, MD, ये सारे पोस्ट यही ले रहे के बैठे हुए हैं, और यही जो है बहुत ज्यादा उसके डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे ये होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। साथ ही साथ जो इसमें हेड होगा, यानी कि ये मान लीजिए ये थोड़े बुढ़े बुढ़े हो गए हैं हमारे, ये सबसे जो है मेल मेंबर जो है सबसे हेड ऑफ द फैमिली है, तो इसको कहा जाएगा कर्ता। यानी कि जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन होंगे वो लेंगे कर्ता भाई साहब, यानी कि जो मेल मेंबर है और जो सबसे ज्यादा एल्डर है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो सब इसके डिसीजन लेगा और उसको कहा जाएगा कर्ता।
नेक्स्ट वन इज द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली. अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ ओनली मेल मेंबर्स. जो इसके मेंबर बनते हैं, यानी कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो मेंबर होंगे, वो केवल और केवल मेल मेंबर होंगे. केवल और केवल मेल मेंबर होंगे. जो फीमेल मेंबर्स होती हैं, जो इनकी फैमिली की फीमेल मेंबर्स होती हैं, वो मेंबर नहीं होती हैं. उनको कहा जाता है को पार्सियंस. वो होता है को पार्सियंस. उनका अधिकार होता है, लेकिन वो बिजनेस के जो होता है, बिजनेस में मेंबर नहीं होती. मेंबरशिप बाय बर्थ. अब इसमें यानी कि जैसे ही आपका इस फैमिली में बर्थ हुआ, चलिए इसमें एक नया निर्णय बर्थ हुआ है, ठीक है, छोटू सा, ये जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ, वैसे ही ये इस बिजनेस का मेंबर बन गया. यानी इसके लिए आपको कोई पार्टनरशिप का कुछ एक्ट वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना. जैसे ही आपका बर्थ होगा, वैसे ही आप सीधे सीधे इसके मेंबर बन जाएंगे. नेक्स्ट वन इज योर मैनेजमेंट बाय कर्ता. इसका बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, वो कौन करता है? कर्ता, जिसके पास जो पूरा डिसीजन लेने की पावर होती है. तो कर्ता ही सब कुछ करता है, यानी कि कर्ता ही सारे मैनेजमेंट के डिसीजन लेता है. नेक्स्ट वन इज योर कर्ता हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अब कुछ बिजनेस के डिसीजन आप ले रहे हो, जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है. जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस आ जाता है, तो बाकी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है. बट जो कर्ता वाला पर्सन है, जो कर्ता है, जो मेन हेड है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है. नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने जो है वो कंपल्सरी नहीं होता. डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस व्हेन ऑल मेंबर्स नोटिफाई दैट दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली. अब इसका डिसोल्यूशन कैसे होगा? जैसे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे होता है? कोई मर गया, कोई जो है रिटायर हो गया, या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जो पार्टनर्स थे पहले वाले वो हट रहे हैं, तो उसका डिसोल्यूशन हो जाता है. लेकिन जब बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली की, तो इसका डिसोल्यूशन कैसे होगा? जब ये सारे मेंबर्स मिलके जो है नोटिफिकेशन दे देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि हम अब ये बिजनेस नहीं चलाना चाहते, जॉइंट हिंदू फैमिली के हम मेंबर नहीं है. सो तभी उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा. नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर. अब देखिए, जैसे व्यक्ति पैदा हो रहा है तो उसको मेंबरशिप मिल गई है इस बिजनेस की, तो ऑब्वियसली ये माइनर है, बट स्टिल ही इज अ मेंबर ऑफ दिस बिजनेस. तो इसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, एक माइनर भी इसमें जो है मेंबर बन जाता है. कंटिन्यूटी नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ मेंबर. अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो इस बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, तो जो दूसरा पर्सन होगा इसके बाद, वो कर्ता बन जाएगा. और जो मेंबर्स हैं, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है? कर्ता. नेक्स्ट वन इज योर मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली. अब इसका मेरिट क्या है? ईजी फॉर्मेशन. इसके लिए ना ज्यादा आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, ना किसी और प्रॉब्लम्स की. तो इसका जो बनाने का तरीका है, फॉर्म करने का तरीका है, वो बहुत ही ईजी है. क्विक डिसीजन मेकिंग. जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है? ओनली एंड ओनली कर्ता. तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो बहुत ही क्विकली है. कर्ता के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि उसको बाकी सारे लोगों के साथ भी डिस्कशन करना पड़ेगा. नहीं, वो अपने जो फैसले हैं वो खुद ले सकता है, वो खुद ही सारे फैसले लेगा. वो चाहे तो सबसे जो है विचार ले सकता है कि आपका क्या थिंकिंग है, बट डिसीजन वो खुद ही लेता है. कंटिन्यूटी. इसकी भी कंटिन्यूटी लगातार रहती है. सीक्रेसी. एक सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि फैसले भी जो है वो कर्ता द्वारा लिए जा रहे हैं, फैमिली का बिजनेस है, तो इसमें सीक्रेसी थोड़ी सी बनी रहती है. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अभी हमने आपको बताया. फ्रीडम ऑफ बिजनेस. ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई लिमिटेड बिजनेस नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, कुछ वो नहीं कर सकते. नहीं, आप जो बिजनेस करना चाहो आप कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स. अब देखिए, जो माइनर है उनका यहाँ पे क्या है, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, पर उनको क्या है, पूरा प्रॉफिट मिल रहा होता है, सब कुछ उनको मेंबरशिप मिल रही होती है, वो सब कुछ उसमें जो है प्रॉफिट ले रहे होते हैं. तो यहाँ पे जो माइनर का प्रोटेक्शन है वो कौन कर रहा होता है? सारे मेंबर्स कर रहे होते हैं, या जो करता है वो कर रहा होता है, क्योंकि सारे डिसीजन उनके हाथ में होते हैं. नेक्स्ट वन इज योर डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज. यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, यानी जो पैसा आप लगा रहे हो, जो एसेट आप लगा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली से रिलेटेड होंगे. जैसे अब कंपनी में आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो आप मार्केट में क्या करते हो, शेयर निकाल देते हो. तो जितने लोग हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो उनकी पैसा उनका पैसा जो है आप अपने पास अपने बिजनेस में लगा सकते हो। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होगा, यू विल ओनली एंड ओनली इन्वेस्ट दोज मनी जो आपके पास अवेलेबल है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, देखिए एक जगह मेरिट है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है वो लिमिटेड है, पर डीमेरिट क्या है कि जो कर्ता है यानी कि जो मेन पर्सन है डिसीजन लेने वाला उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। पावरफुल कर्ता रिक्वायर्ड, अब ऐसे बिजनेस के लिए एक ऐसा कर्ता चाहिए होता है जो कि पावरफुल हो, जिसमें इतनी समझ हो कि कौन से डिसीजन उनको लेने हैं और कौन से डिसीजन नहीं ले। मान लीजिए कोई जो इसमें व्यक्ति है बड़ा है, बहुत बुजुर्ग है, जो कर्ता की पोजीशन पे बैठा हुआ है, बट उसको बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो वो फिर अच्छे से ये बिजनेस नहीं चला सकता। तो यहाँ पे जो कर्ता है वो मेन मेंबर है, उसको एक पावरफुल होना चाहिए, वो एक पावरफुल पर्सनालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर लिमिटेड मार्जिनल स्किल्स। अब यहाँ पे जो स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल है, मार्जिनल स्किल्स है, वो भी बहुत ही लिमिटेड होती है। और यहाँ पे आपको क्या कर रहे होते हो, आप खुद ही डिसीजन ले रहे होते हो, तो वो स्किल्स भी यहाँ पे बस लिमिटेड ही आपको मिल पाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के टॉपिक में हमने देखा जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज हम लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।